राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। विदिशा की मुक्तिधाम से आज कुछ तांत्रिक रीठा फाटक निवासी मनमोहन दीक्षित की अंतिम क्रिया भी पूरी नहीं होने दी और तांत्रिक उनकी अस्थियों को तांत्रिक क्रिया कर ले गए। जब स्वर्गीय मनमोहन दीक्षित के परिवार जन आज सुबह करीब 8 बजे मुक्तिधाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके प्रियजन का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी प्रमुख अस्थियों को किसी तांत्रिक द्वारा पूजा पाठ कर ले गए। परिवार निराश हुआ और खफा भी हुआ। तत्काल परिवारजनों ने मुक्ति धाम सेवा समिति के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन को सूचित किया। मौके पर मुक्ति धाम सेवा समिति के सदस्य और कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची और जांच करने में जुटी। परिवारजनों का यह आरोप है कि उनके प्रियजन की आस्तियों को किसी तांत्रिक द्वारा छेड़खानी की है। इस संबंध में कोतवाली TIA आशुतोष सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे। सवाल यहां पर यह था कि आदमी की सोच और मानवता इतनी गिर गई थी कि जो शहर के लिए एक शर्मनाक है, ऐसे दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हरिपुरा क्या हो? उन आपके परिवार से? मेरे चाचा जी श्री मनमोहन दीक्षित। तो क्या हुआ? शनिवार को हमने दाग दिया था, आज उठावना था। हम लोग परिवारजन सब उठावना करने आए, यहाँ देखा कि कुछ तांत्रिक विद्या कर ली गई है। खोपड़ी वगैरह जो है सब राख माख उठा के ले गए वहाँ से। नींबू पड़े हुए हैं और कुछ सूतली है, लोहे का दिया भी है और तांत्रिक विद्या करके सब उसका पूरा मतलब राख वगैरह जितनी थी ऊपर ऊपर की खोपड़ी हड्डी मड्डी ये सब ले। उनकी उम्र थी 62 के समथिंग। क्या करते? कुछ नहीं, वो घर पर ही रहे थे, बीमार थे। वो बीमार थे, उन्हें कैंसर था। मुझे ये लग रहा है कि इसका जो भी जिम्मेदार है, इधर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, इसकी छानबीन की जाए और जो यहाँ जिसकी ड्यूटी रहती है वो आदमी उसको उसके से भी पूछताछ करके उससे भी किया जाए। हो सकता है ये लोग मिलजुल कर सांठ गांठ करके इधर ये पैसे मैसे लेके कुछ तांत्रिक विद्या करवाते हों। अभी आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी तो मुक्तिधाम पुलिस टीम भेजी गई है, जांच की जा रही है। राजधानी समाचार के लिए विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन टच करना ना भूले और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।